हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे सभी। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि वेट गेन कैसे करते हैं, और वेट गेन करने के 3 टॉप फूड बताऊंगा कि जो वेट गेन में हेल्प करते हैं। तो वेट गेन हमारा कैलोरी पे डिपेंड करता है। अगर हम मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाएंगे, मतलब कैलोरी सरप्लस में रहेंगे, तो हमारा वेट गेन होगा। अगर हम कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाएंगे तो हमारा वेट कम होगा। तो कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट पे डिपेंड होता है, ठीक है? तो अगर आपका जो अभी आप डाइट ले रहे हो, अगर उस डाइट से आपका वेट कांस्टेंट है, मतलब ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, तो आप मेंटेनेंस कैलोरी पे हैं। तो इसमें अगर आप, मैं टॉप 3 फूड बताऊंगा, ये फूड ऐड कर देते हो, मतलब एक्स्ट्रा कैलोरी खाने लग जाते हो, तो आपका वेट इंक्रीज होगा। तो टॉप 3 फूड बताता हूं मैं। नंबर 1 पे आता है पीनट बटर। पीनट बटर, 100 ग्राम पीनट बटर में आपको 588 कैलोरी मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा है, हाई कैलोरी फूड है। तो आप 100 ग्राम नहीं खाना, आपको मतलब एक सर्विंग 30-40 ग्राम ले सकते हैं आप, ठीक है? और इसमें हेल्दी फैट और प्रोटीन भी अच्छा होता है। नंबर 2 पे आता बनाना। एक बनाना में 100 कैलोरी होती है, तो आप बनाना ऐड कर सकते हैं। बनाना बहुत इजी मिल जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है? तो नंबर 3 पे आता ओट्स। ओट्स में हाई प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ओट्स को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम ओट्स में लगभग 400 कैलोरी होती है। तो इन टॉप 3 फूड को आप अपनी डाइट में ऐड करो। ये हाई कैलोरिक फूड है, तो आपको ये कैलोरिक सरप्लस में रखेंगे, तो आपका वेट गेन इजी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।